तो सलोनी, जन्माष्टमी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, हो गई बाबू। बस ये हार बनना बाकी था, वो भी बन गया। थैंक यू सलोनी। ये तुम्हारा तीसरा रसगुल्ला है जो तुमने उठाया है। खा खा के मोटी हो रही हो, कुछ तो ख्याल करो अपना। अरे वाह जुम्मा, बड़ा सुंदर ब्रेसलेट है जुम्मा। जुम्मा, ये इतना महंगा ब्रेसलेट आया कहाँ से? महंगा नहीं है मैडम जी, चीप है, डुप्लीकेट है। अच्छा, देखिए जरा। जुम्मा सॉरी, हमने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया पहले। क्या है, हम साइकोलॉजी के प्रोफेसर तो है ही, पर बहुत ही मशहूर ज्वेलर की बहू भी रह चुके हैं, इसीलिए हीरे और चेहरे की कीमत देखते ही पहचान जाते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम 25,000 का तो होगा ही है। घर की मामूली सी नौकरानी 25,000 का ब्रेसलेट पहनकर घूम रही है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है बाबू? जुम्मा डोंट माइंड, जरा हमें भी तो उस पेड़ का राज बता दो जहाँ से पैसे तोड़कर तुमने इतना महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। कहाँ से मिला ये ब्रेसलेट जी? वो ये मतलब क्या है? इससे जवाब कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है जुम्मा। ऋषि जी, आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है? डोंट माइंड, पर ये सारे सवाल हमें नहीं आपको करने चाहिए थे ब्रजेश जी। इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है, और हमें लगता है कि इस घर की भलाई के लिए उस पर से पर्दा उठाना ही जरूरी है। जुम्मा जवाब दो, कहां से आए इतने पैसे? जुम्मा तो कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी नार बनना, पर इस घर में एक शख्स ऐसा है जिसको सब कुछ मालूम है, पर पता नहीं वो खामोश क्यों है। आपका इशारा किस तरफ है उर्वशी? बाबू हम इशारे नहीं करते, जो सच है सो है, और वही हम ऊपर कह देते हैं। वो इंसान और कोई नहीं, सलोनी जी। बताइए सलोनी जी, इतनी बड़ी बात आपने छुपा के रखी, घर वाले आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बताइए भी। और हम ये भी जानते हैं सलोनी जी कि आप झूठ तो बोलती नहीं हैं। मतलब जुम्मा को इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से मिला, किसने दिया? सलोनी जी, आपसे पूछ रहे हैं हम।